नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के टॉप 5 क्वेश्चंस दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैथ में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम शामिल किए हैं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि आपको मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न दोस्तों हम आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। पहले एक बार प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे दो बार, 3 बजे 3 बार और इसी प्रकार बजती है, एक दिन में वह कितनी बार बजेगी। क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 बजे एक बार बजी है, 2 बजे दो बार बज रही है, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, इस प्रकार से बज रही है। ठीक है, तो एक दिन में वह कितनी बार बजेगी। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो इसके लिए हम एक आसान तरीका आपको बता रहे हैं। पहले यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। 1 बजे कितनी बार बजेगी? 1 बार। ठीक है, 2 बजे दो बार, 3 बजे दोस्तों 3 बार। तो ध्यान दीजिएगा, 1 बजे एक बार बजेगी, 2 बजे दो बार बजेगी, 3 बजे कितना बार बजेगी? 3 बार। तो बस अभी इतना ही, छोटा सा प्रश्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। तो टोटल ये कितनी बार बजी दोस्तों? 1 और ये 2 जोड़ेंगे 3 और 3 3 6। टोटल कितनी बार दोस्तों बजेगी? ये 6 बार बजेगी, 3 बजे तक। ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? देखिए, फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? n इंटू एन प्लस 1/2, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, यानी कि 3 बजे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, छोटे से क्वेश्चन समझा रहे हैं, जब समझ लेंगे तो आप बड़े से बड़े प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो आंसर क्या होगा इस प्रकार से? अभी अगर इस फॉर्मूले पर हम रखें तो n की जगह हम रखेंगे क्या दोस्तों? 3। तो 3 गुने n इंटू एन प्लस 1, यानी कि 3 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा? 4। ठीक है, n प्लस 1 मतलब 3 एक 4, और बटा क्या होगा? 2। तो 2 से 4 कटेगा, ध्यान दीजिएगा, 2 दुना के 4, तो 3 दुना के 6। टोटल कितने बार बजी? 6 बार। इसे हम फॉर्मूले से ऐसे निकाले। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न की ओर क्या चलते हैं? प्रश्न में यह बोला है एक दिन में वह कितनी बार बजेंगी। दोस्तों, एक दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं बताइएगा? 24 घंटे होते हैं, लेकिन घड़ी में क्या 24 बजता है? नहीं, घड़ी में 24 नहीं बजता है, घड़ी में 12 बजता ही है। ठीक है, 12 के बाद फिर से 1 2 3 4 होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे ध्यान दीजिए, आप 12 बजे तक निकालेंगे, फिर उसका 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 12 बजे तक निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे आप बताइए? इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? यहां पे आप 1 2 3 ऐसे करके जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जोड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लंबा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फॉर्मूले से लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 12 गुने 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 13/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया 12 घंटे के लिए। तो इसे कटाइए, 2 6 12, 13 6 दोस्तों क्या होगा दोस्तों? 78। यानी 12 घंटे में ये कितनी बार बजेगी दोस्तों? 78 बार बजेगी। ध्यान दीजिएगा, 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? 78 बार बजेगी। तो 24 घंटे, यानी कि फिर 12 घंटे में कितनी बार बजेगी? 78 बार। तो 78 गुने क्या करेंगे दोस्तों? 2 कर लेंगे। तो देखिएगा, ये 78 है, 78। ठीक है, 78 गुने 2 करेंगे तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 156। 78 गुना क्या होगा? 156 होगा, यानी कि टोटल ये 24 घंटे, यानी कि एक दिन में वो कितनी बार बजेगी? 156 बार बजेगी। देखिए, 156 किस ऑप्शन में है? देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को कभी भी सॉल्व करेंगे 12 घंटे पे ही सॉल्व करेंगे, 24 घंटे पे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि घड़ी में 12 तक ही बजता है। ठीक है, 24 नहीं बजता। ठीक है, घड़ी क्या होती है? 12 ही बजता है। अब ये ना बोलने लगिएगा आप लोग कि डिजिटल घड़ी में 24 भी बजता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं, यहां पे 12 घंटे पे ही ये सॉल्व होता है प्रश्न। तो आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? 156 बार। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, आसान तरीका बता रहा हूं। प्रश्न कह रहा है एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, यानी कि मुझे कितना परसेंट मत मिला, ये पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, टोटल दोस्तों कितने हैं, 100% लोग हैं, ठीक है। इसमें से दोस्तों क्या है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं। इसमें कह रहे हैं कार्यालय में 40% महिला है, यानी यहां पे हम रख लेते हैं फीमेल और यहां पे हम रख लेते हैं मेल, ठीक है। 40% क्या है दोस्तों, महिला है, ठीक है, 40% और फीमेल हो गई। और उस तो बताइए, जब 40% महिला है तो मेल कितने होंगे, बताइएगा पुरुष कितने होंगे। जब महिला दोस्तों 40% है, 100 में से 40 घटाएंगे दोस्तों, क्या ये 100% है, 100 में से 40 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये 60 होगा। ध्यान दीजिएगा, 60% क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। अब बोल रहा है उनमें से 40% महिला हो, 40% का 40% क्या होगा दोस्तों, 40% का 40% ऐसे निकालिए, देखिए 40×40/100 यही होगा ना। देखिए तो 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4×4=16, यानी 16 महिलाओं ने वोट दिया और बोल रहा है 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। 60% का 60% क्या होगा, 6×6=36 होगा, ऐसे कर लेंगे 60×60/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 6×6=36 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि महिलाओं में 16% हमें वोट मिला और पुरुषों में 36%, 16 और 36 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 52% क्या होगा दोस्तों, यहां पे लिख देते हैं ऊपर, दीजिएगा 52%, यानी टोटल मेरे पक्ष में कितने मतदान हुए, कितना परसेंट मतदान रहा, तो 52%। देखिए 52% किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। देखिए 40% महिला है तो पुरुष कितने होंगे दोस्तों, 60%, ठीक है। 40% का 40% यानी कि 4×16 16 महिलाएं, यानी कि कह सकते हैं या 16% महिलाएं मेरे पक्ष में, ध्यान दीजिएगा 16% बोलेंगे, यानी कि देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां परसेंटेज में भी आप बोल सकते हैं, या 16 महिलाएं, 40% का 40% यानी कि 40% का 40% 16 महिलाएं, ध्यान दीजिएगा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 16 महिलाएं मेरे पक्ष में और पुरुषों में 60%, 60% का 60% क्या होगा, 6×6=36, यानी 36 पुरुष, मान लीजिए 36 पुरुष है, 16 पुरुष है, टोटल कितने हो गए दोस्तों, 52 लोगों वोट किए हैं मेरे पक्ष में और कितने में, 100 में, तो 100 का 52 यानी कह सकते हैं डायरेक्ट 52%, यही आंसर हो जाएगा, 52% आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहे तो इस प्रश्न को ओरल भी कर सकते हैं, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ईबुक लॉन्च की गई है, वो ईबुक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए ईबुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा आपका ईबुक, ये एसएससी मेकर के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये स्पेशल ईबुक है आपके आगामी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर आपके जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें 1500+ क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं प्रश्नों को इस ईबुक में शामिल किया गया है। दोस्तों इस ईबुक में ये जो 1500+ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें आपको मिलेगा क्या, हम आपको बता दें दोस्तों, साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के ऑनलाइनर 25 सेट, मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है, आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों हम आपको बता दें, जो बार-बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बार-बार रिपीट करते हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। इसे एक बार लेके आप जरूर पढ़िए, आपको एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। इस ईबुक को दोस्तों आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, कमेंट बॉक्स में भी है, कहीं पे भी क्लिक करके इस ईबुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ईबुक की कीमत मात्र 49 रुपीज है, लिमिटेड टाइम के लिए, आप इसे एक बार लेके जरूर पढ़िए। और हम आपको बता दें, अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों एसएससी मेकर का ये कस्टमर केयर नंबर है 7080108555, आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों ये अब तक की बेस्ट ई बुक है, इसे एक बार लेके आप जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट किया है, तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों, एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती हैं, 10 पुरुष और 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहां पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न को समझिएगा। 15 पुरुष काम कर रहे हैं तो क्या लग रहा है दोस्तों, 20 दिन, और 24 महिलाएं भी काम कर रही हैं तो क्या लग रहा है दोस्तों, 20 दिन। तो हम कह सकते हैं, देखिए दिन दोनों जगह क्या लग रहा है, बराबर ही, 15 पुरुष काम कर रहे हैं तो 20 दिन लग रहा है, 24 महिलाएं भी काम कर रही है तो 20 दिन लग रहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, 15 पुरुष यानी कि 15 मेल बराबर 24 महिलाएं यानी कि फीमेल, बोल सकते हैं कि नहीं दोस्तों, ये कह सकते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, 3 × 5 = 15 यानी कि 5 मेल बराबर 3 × 8 = 24 फीमेल, ये बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न सिंपल हो गया, आप पुरुष को ले लीजिए या महिला को ले लीजिए, यहां पे नीचे जो कहा है 10 पुरुष और 8 महिलाएं यानी कि इनको जोड़ के बोला है, ठीक है, कि मिलके ये उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहां पे आप पुरुष ले लीजिए या महिला, कुछ भी लेंगे, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। आप मान लीजिए पुरुष लेते हैं, 15 पुरुष दोस्तों ऊपर वाले लाइन को हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, 15 पुरुष कितने दिन में, 20 दिनों में। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 10 पुरुष और 8 महिलाओं की जगह हम पुरुष रखेंगे तो क्या होगा, 5 मेल बराबर 8 फीमेल यानी कि 8 महिला बराबर क्या होगा दोस्तों, 5 पुरुष होगा। तो यहां पे भी क्या करना है आपको, यूनिट सेम रखना है, पुरुष कर लेना है, तो 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, मेल, 5 मेल ये और 10 मेल ये, 15 मेल यानी कि 15 पुरुष, 15 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे बताइए, D2 दिनों में करेंगे, 15 से 15 कट जाएगा, आंसर आ गया क्या दोस्तों, 20 दिन। आप चाहे तो महिला भी ले सकते थे तो भी 20 दिन ही आंसर आएगा, ठीक है। देखिए 20 दिन किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एक बात और बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, और जो नए स्टूडेंट अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं दोस्तों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके आगामी एग्जाम के लिए हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो दें उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों इस चैनल से तो जरूर जुड़िए, इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करने के लिए हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका समझा रहे हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उनमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंक आपस में, अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में छोटा अंक कौन सा है, छोटा अंक पूछा है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, अंकों को आपस में जोड़ा जाता है तो अंक आपस में बदल जाते हैं, इतना जोड़ने पे अंक आपस में बदल जाते हैं, इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे ऑप्शन से सॉल्व करते हैं हम आपको बता रहे हैं, पूछ कह रहा है दोस्तों, यहां पहले प्रश्न देखिए, जो ऑप्शन पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। यहां पे बोला है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है, 14 है, यदि उनमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों में देखिएगा, तो दोनों अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है, मान लीजिए सबसे छोटा अंक 4 है, तो 14 अंकों को जोड़ने पर हो रहे हैं तो बड़ा अंक क्या होगा दोस्तों, 10 होगा, लेकिन जब 10 इसमें जोड़ेंगे तो क्या यह 2 अंकों का हो जाएगा, यह 2 अंकों का नहीं, यह 3 अंकों का हो जाएगा, इसलिए दोस्तों पहला आपका ऑप्शन नहीं होगा। जब पहला ऑप्शन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, दूसरा ऑप्शन की ओर चलेंगे, मान लेंगे सबसे छोटा अंक क्या है दोस्तों, जो है वो 5 है, तो बड़ा अंक क्या होगा दोस्तों, 9 होगा, ध्यान दीजिएगा, तो संख्या क्या होगी दोस्तों, 59 होगी, 59 होगा, 5 और 9 जोड़ेंगे तो दोस्तों देखिए यहां पे अंकों का योग 14 आएगा, 5 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 9 14, बोल रहे यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है, इसमें 36 जोड़िए तो अंकों का स्थान बोल रहे आपस में बदल जाता है, यानी कि 59 जब ये बदलेगा तो क्या होगा दोस्तों, 5 9 है तो ये क्या हो जाएगा, 9 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या दोस्तों, 59 में 36 जोड़ने पर 95 हो रहा है, तो देखेंगे 9 6 15 के 5 5 3 8 1 9 यानी जोड़ने पर क्या हो रहा है, 95 हो रहा है, अंकों का स्थान आपस
में क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो पूछा क्या है दोस्तों, दोनों में अंकों में छोटा अंक कौन सा है, छोटा अंक है 5। अगर बड़ा पूछेगा तो क्या बोलेंगे दोस्तों, बड़ा अंक होगा 9। ठीक है, यानी आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये रहा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आसान तरीका समझा रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए, पहले प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जुन पुणे से गोवा की 1000 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और वापसी की यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जब 1000 किलोमीटर बोल दे या 500 किलोमीटर बोल दे, इस प्रकार से कोई संख्या दे देता है तो कंफ्यूज हो जाए। तो यहां पे इस संख्या से कुछ भी आपको कर लेना देना नहीं है। यहां पे क्या पूछा है, औसत चाल पूछा है, दूरी कुछ भी दे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया है और वापस कितने की गति से आया है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से, और पूछ गया है दोस्तों उसकी पूरी, देखिए यहां बोला है उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति, औसत चाल पूछा है। तो औसत चाल बराबर दोस्तों हम आपको बताए थे एक फार्मूला, 2xy/x+y, ये क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, x की जगह जाने की गति और y की जगह आने की गति आप बस रख दीजिए। तो देखिए 2×4 की रफ्तार से गया है, 3 की रफ्तार से आया है, बटा 4+3 नीचे करेंगे तो क्या होगा, 7। ठीक है, तो 2×4=8 क्या होगा दोस्तों, 24/7 ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहां पे क्या है दोस्तों, यहां पे दशमलव में दिया है, तो आप क्या करिए 24 को 7 से भाग करिए, तो 7 से भाग करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 7×3=21 हो जाएगा और यहां पे 3 हो जाएगा, 24 में से 21 घटेगा तो क्या होगा 3, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 7×4=28 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 7×2=14 यानी कि 3 के करीब ही आएगा, यानी कि देखिए 3.4 के समथिंग किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है 3.43 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, कभी भी औसत चाल पूछे यानी औसत गति पूछे, फॉर्मूला याद रखिएगा 2xy/x+y, ये फॉर्मूला होता है, इसे आप नोट कर लीजिए औसत चाल का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए, अच्छा लगा है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आप सबके एग्जाम की तैयारी के लिए एक अलग से चैनल बनाया गया है जिसका लिंक दोस्तों नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है सेकंड चैनल के नाम से, उस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। उस चैनल पे डेली स्टैटिक जीके का क्लास चल रहा है दोस्तों, और जो ट्रेंडिंग टॉपिक आपके जीएस के हैं या करंट अफेयर के हैं, सारे टॉपिक वहां पे कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उस चैनल से भी जरूर जुड़िए जिसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है सेकंड चैनल के नाम से, आप चाहें तो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम टॉपर नाम है, उस चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आप कमेंट करके एक और बता दीजिए, आप लोग बात की अभी दोस्तों आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उस एग्जाम का नाम नीचे आप कमेंट कर दीजिए ताकि उस एग्जाम के लिए भी हम बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करा सके। ठीक है, मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करिए, फिर भी आपको किसी चैप्टर या टॉपिक में प्रॉब्लम है, उस चैप्टर का नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर दोस्तों हम बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ईबुक को भी लेके पढ़ लीजिए, ईबुक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।